पिछे देख रहे होवोंगे ये घर डिग पिया। जो ये घर डिगदा है कोटकपुरे दीआं तस्वीरां तुहाडे नाल सांझीआं कर रहे हैं। जो ये घर डिगदा है जो इस कमरे के चार पांच जने पए होंदे आ ते छत उन्हां दे उपर डिग पैंदी आ। तुसीं देख सकदे हो बेड आ ये पर पूरा मलबे दे विच धस गया। इधर देख सकदे हो कुछ बिस्तरे ने बालिया वाली छत सी उह टुट गई। तकरीबन 3:30-4 बजे का समा होंदा जद ये घटना होंदी है तो यह परिवार एसी छड़ के कंबल लैके पिया होंदा। इन्हां नूं कोई पता नहीं होंदा वी अज साडे नाल ये पाणा वरत जाणा। पर कुदरत दी कुरूपी देखो एक घटना दा हो जाणा। कंबल उत्ते लए है उधरों छत डिग पैंदी है ते कोई भी घर दा इस परिवार दा कोई भी जी जौंदा नहीं रहिंदा। इस परिवार दे विच मैं दस देवां एक बच्चा एक हसबेंड ते एक वाइफ ते एक गर्भ दे विच पल रहा बच्चा चार जणे दी समय ते मौत हो जाती है। एक बच्ची जो गवांढ दी है वह इस गर्भवती औरत दी केयर दे विच रहिंदी है उन्हां दी सांभ संभाल करदी है। वह इस स्थान तो सहक दी कढ़ी जाती है तो इत्थों कढ़ के उन्हूं डॉक्टरां कोल पहुँचाया जाता है। मैं दस देवां वह बच्ची बड़े गरीब घरों है हो सकता प्रशासन नूं भी चाहीदा ते जे संस्था की गल करिए उन्हां बच्चियां दी उस बच्ची की मदद जरूर करनी चाहिए क्योंकि पांच जने इस कमरे थले पए होंगे है पंजा चो एक जना बच जाता है। आओ परिवार नाल गलबात करांगे। परिवार के विचों भैन अमनदीप कौर कोटकपुरा साढ़े नाल मौजूद है इन्हां नाल गलबात करांगे की गलबात बनती है। जो ये घटना होंगी कि साढ़े 3 का समा से पता लग गया। असी थोड़ी दूर रहने अलग घर चा तो सानू 4 बजे पता लग गया गा जो आए मलबे थले दबे हुए सी सारी फैमिली। ये परिवार दे विच एक दस्या जा रहा एक बच्ची भी सी बारू। हाँ वो इत्थे नेड़ घर दी सी बच्ची सी की 15-16 साल दी सी की वो मेरी भरजाई नू बच्चा होने वाला सी वो रोटी पानी दी सेवा वगैरह इत्थे ध्यान रखदी सी उहदा ते वो नाल ही कमरे विच पई सी पर उहदी बचत हो गई आ ते जिहड़ी उहदी हालत आ बहुत नाजुक आ। मैं जो कल मैडिकल च देखा सीगा मैं थोड़ा पता लग गया गा क्योंकि काफ़ी सट्टा जो इत्थे वो इस घटना हो जाती है छत उपर डिग पैंदी है मलबे चो कढ के कितने ले जाया भी जाता उन्होंने। हाँ जी उन्होंने प्राइवेट भी मतलब पहला तो उन्होंने दसन के मुताबिक क्योंकि असं थोड़ा लेट पहुँचे बहुत बारी एम्बूलेंस नू फोन की। मैं इतने समझ सकता भी प्रशासन भी किड्डा कमजोर होया एम्बूलेंस नू कॉल की जाती है वह भी समय सिर नहीं पहुँच सकी। इत्थे प्रशासन की भी बड़ी वड्डी गलती है कित्थे गए वह जो कहते सी महला क्लीनिक कर देवे टाइम ते फोन लाने नाल एम्बूलेंस भी नहीं आती आम नागरिक की कित्थे सुनवाई होगी। होर भी इत्थे परिवार के नाल गलबात करन की कोशिश करांगे। समझ सकते हैं परिवार के विच एडी घटना का हो जाना बोलना बड़ा औखा हुंदा। बई मौजूद है जिहड़ा बई मलबे दे विच उन्हां नूं कढ़दा है बई नाल गलबात करांगे। बई तकरीबन किन्ने क समय की गल है किन्ना टाइम होंदा तकरीबन मतलब कि 3:30 की गल है जी। मतलब कि अंकल जी ने मतलब कि आंढ़ गुआंढ़ ठाया सीगा असीं मतलब कि जदों आए देखिया मतलब कि सारा मलबा उन्हां दे उपर सीगा फिर मतलब कि सानू मतलब कि पता नहीं लग रहा सी भी है कित्थे का हो क्योंकि मलबा काफ़ी ज़्यादा सीगा फिर मतलब कि सारा मतलब इकट्ठा होया जी। मतलब कि कुछ असी मतलब कि सानू कई तो टक्क असी तां नहीं मारे भी थले को होणगे असी मतलब कि हत्थां दे नाल जिन्नी होए उन्नी मतलब कि साइडां दे करी गए तकरीबन सानू मतलब कि अद्धा पौना घंटा लग गया मतलब कि उन्होंने रिकवर करना सी। भाई जदों उन्हां नूं इत्थों कढ़िया जांदा तां मैं सुनिया भैन नाल गलबात की कहिंदे एम्बूलेंस भी टाइम ते नहीं एम्बूलेंस नूं असी मतलब कि जदों छत डिगी सी उहदी कॉल करता सी मतलब कि जो 3:30 बजे सानू पता लग्या उदी कॉल करते ही एम्बूलेंस मतलब कि कोई भी नहीं जे मतलब कि एम्बूलेंस आ जाती शायद मतलब कि मेबल कि बच सकते क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन मिल जाती प्रॉपर मतलब कि एम्बूलेंस कोई भी नहीं आई मतलब कि कोई एक बच्चे की आवाज़ भी सुन रही थी। हाँ वो बच्चे मतलब कि जी गुड़ी है बची आई और मतलब कि आवाज़ आ रही थी थोड़ी थोड़ी मतलब कि ता करके असं मतलब कि पहले उधर भजे से उन्होंने कढ़िया गया पहले। भाई ये मकान च कितने टाइम तो रह रहे ये तकरीबन मेरे सामने 3 साल हो गए इन्होंने इन्हें मतलब कि बने बनाया मकान लिया सीगा। कितना टाइम होया होगा इस मकान मकान मेरे सन 20 साल हो गए ना 22 साल ही। भाई उस बच्ची की हालत किदा दी है वो बच्ची की हालत ठीक है वैसे तो ही मतलब कि वो एक मतलब कि बैक से काफ़ी सट है एक सिर से सट काफ़ी है कि वो कोई मदद हुई है जी
नहीं हजे तक तो मतलब कोई मदद तो हुई नहीं गी, मतलब कि प्रशासन मतलब कि गुहार लाने क्योंकि वह भी गरीब बंदे ही, मतलब कि जिनी हो सके प्रशासन से मतलब हैगी भी वो तो वो मदद की जाए ता कि बच्ची मतलब ठीक हो। बई परिवार के हालात किमें दे? परिवार तो पिता जी उन्होंने कानपुर रिटायर है तो नहीं नहीं वो बच्ची दे। अच्छा बच्ची बच्ची के परिवार का कि बहुत गरीब गरीब हालत ही है उन्होंने, किराए तो रेंदे जी। वह बच्ची इतने देखभाल कर? हाँ जी वो देखभाल वास्ते आई सी, वो लड़की प्रैगनेंट सी वो देखभाल वास्ते ना रही सी। बई मकान की गल करिए जिमें बई ने दसिया भी 20 साल हो मकान में, ये कोई कंट्रक्शन माड़ी सी ये कह सकते? नहीं नहीं वो नहीं कोई गलबात सी, बारिश के कारण कि ना लेंदे आ सैलाब आ गई, सैलाब के कारण कि ना लेंदे आ छत उत्ते पानी कि ना लेंदे रुक गया पानी छत गिर गई। जो बच्ची मलबे थलो सहकती कढ़ी गई उसके परिवार नाल गलबात करन दी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने घर पहुँचे हैं। ये भी सुनिया भी ये परिवार किराए पर रह रहा। बई जी सत श्रीकाल। सर सत श्रीकाल बई जी, जो बच्ची उधर चल जाती है थोनू खबर आती है, ये किन्ने क बजे थोनू पता लगता? सानू जी तीन साढ़े 3 बजे ही पता लग गया जी, भी सानू गुआढ़ी दस के गए भी थोड़ी बच्ची मलबे के बच्चे आ गई तो आके कढ़ लो। अभी उधर गए सारा परिवार हाई जा गई वो कढ़ी बच्ची। हाँ जी अगे भी बच्ची चल जाती? हाँ जी और 24 घंटे वाला काम ही वो बच्चे का करके चली जाती सी, भी गुड़िया नू बच्चा होने वाला सी इस करके हेल्प दे तौर पर चली जाती सी जी। किन्नियां सट्टा? आई एक तो रीढ़ की हड्डी ते आई, एक सिर च ते पैरां दा पैरां ते आई। सब तो पहला जो मलबे थलो कढ़िया जांदा ते उन्होंने मलबे थलो किवें कढ़िया जांदा? ओही जो असी कढ़िया कई ना नहीं कढ़िया जी, सारे हत्थां नाल मिट्टी मुट्टी हटा के सैडां ते करके मेरी गुड़िया के गोडे दिसे सानू, उस गोड्या तो सानू पता लगा भी साड़ी ये बेटी है, इस करके असी आपकी बेटी नू सारे जिहड़े मदद करके कढ़िया जी। भाई कि तुसी कोई मदद तो होई किसी ने? मदद नहीं जी सानू किसी ने कोई मदद नहीं की, असी जिनी जोगे आपदा आप ही करी हले। भाई किन्ना खर्च? यही खर्चा बच्चों पता ही, वो बच्चे लाई जाते उत्थे अस्पताल। भाई जे घर की गल करा मैं सुने घर भी किराए? हाँ जी असं किराए पर रहने जी, किराया भी दिने जी, सारा कुछ करते आपकी मेहनत करते जी, मेहनत करके खाने जी। काम की कर? दिहाड़ी दप्पा करते जी। दिहाड़ी भी कित लगती हो? हाँ जी हाँ जी कित लगे कित ना लगे जी। तो भाई बच्ची की उम्र कि? 18 साल जी। किन्ने बच्चे है जी? मेरे एक बेटी है जी, 2 लड़के है जी। कली एक ही बच्ची सी? दो कली मेरी बेटी एक ही है जी। हाँ जी हूँ कितने? हूँ अस्पताल चाहिए। हाँ जी मैं गया नहीं गई अजे, हूँ जाऊँगा तो बच्चे उत्थे है, बच्चे कहते भी हालत थोड़ी जी सीरीयस है भी आ टूई नहीं काम करती, लत्तां थोड़ियां नहीं काम करदियां। रीढ़ की हड्डी? हाँ जी रीढ़ की हड्डी तो लगी है जी। सिर सिर च भी लगी है जी, सिर ते साइड ते लगी हुई है जी। तो दोस्तों गंभीर सट्टा इन्हां दी लड़की दे लगियां जो उस मलबे दे थले दबी गई है, वह फरीदकोट होस्पिटल दे विच है। जे हो सकदा तो उस बच्ची दी जिन्नियां भी संस्था ते मेरी प्रशासन नूं भी बेनती है उस बच्ची दी मदद जरूर करिए।